छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, दो वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित, नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद अ न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नौ निर्माण, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। आपको पता नहीं कि लगातार दिहाड़ी मजदूरी की मजबूरियां मीडिया कर्मियों के द्वारा लगातार शासन प्रशासन को दिखाया गया, जिसमें खुद जहां पर फंसे हैं उन लोगों ने वीडियो, फोटो, व्हाट्सएप, ऐप, फेसबुक के जरिए मीडिया से संपर्क साधकर अपनी सारी समस्याओं को अवगत कराया, जिसमें उन्हें भोजन, दवाई आदि जरूरत के सामानों से वंचित होना पड़ा था। जम्मू लगे रहे, वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं, तीन दिन राखी, सब छुट्टी करा दी, जाओ मालिश करना का बोला है, तो हम कहाँ से मालिश करेगा, हम घर पे चेक करवाएगा। मोर बाल बच्चा जम्मू रोआ थे घर में, मोर बाबू नहीं आये, मोर दही नहीं आये, क्या रोआ थे लिखा मान हादरा थे, अब मैं यहाँ कोशिश थाना है, अब जिला कहा है। हम छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल से हम निवेदन करते हैं, हमें छत्तीसगढ़ ले चलो, मुंगेली जिला के हैं, आईआईटी में फंसा हुआ है, हम निवेदन करते हैं भाई भूपेश बघेल अपना घर ले, हमारा छत्तीसगढ़ पहुंचा दे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और खाने में कुछ राशन पानी मिल ही नहीं रहा है, मस्त 2 किलो चावल दे रहा है एक हफ्ता के लिए, और उसमें सूखा सूखा दे रहा है, ना खाना बनाने के लिए दे रहा है, ना तेल दे रहा है, ना कुछ भी सामान नहीं दे रहा है, ना साबुन निरमा कुछ भी नहीं। बच्चे भी हमारा रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, तो कुछ खाने के मिलता है कुछ भी नहीं मिलता है, हमें निवेदन करते हैं भूपेश बघेल से, तो हमें छत्तीसगढ़ ले जाइए। नमस्कार, छत्तीसगढ़ सरकार से, भूपेश बघेल जी से, हम आईआईटी कंपनी दिल्ली में हवन, हमन छोटे छोटे लोग लेकर घर के हमने यहाँ कमात का था, आज 2 महीना हो गए हमारे काम बूटा बंद हवा है, हमला छत्तीसगढ़ ले जाके हमला बहुत जल्द से जल्द पहुँचावा अपन अपन घर, काबर कि हम बहुत तकलीफ में हवन। और कहाँ के आओ, कहाँ के आओ? हमन मुंगेली जिला के अनहमनन, हमन 65-70 आदमी हवन। कौन गांव के? हमन ग्राम पंचायत बरतुली से है, ऐसे आस पास के बहुत आदमी हवन यहाँ पर, तो हमला लेगा जल्दी से, आप मन से निवेदन है छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल मंत्री से। नमस्कार। ग्राम कपिसदा आके अन पुलिस चौकी कोसी हमार तहसील सारंगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, ये कालाकोट में हमन कमाए पर आए हैं, एकर जिला है रिजौरी, अब तुलाराम हर लगभग बीमार में फंस गिसे, तो ये नहीं सकते, एला लगे रहे हमन पहली कालाकोट के सरकारी हॉस्पिटल में, ओकर बाद एला रिवर्स कर दी जम्मू में, जम्मू इमरजेंसी हॉस्पिटल में लगे रहे, वहां 3 दिन रखीस, अब पुलिस ठीक नहीं हुई तब ले हमला भेज दीस, आप वो बोल दीस कि यहाँ जाओ जितना दिन बनी इतना दिन मालिश वालिश करते रहना, तो हम अने चाहत हम साहब मीडिया वाला हो कि जल्द जल्द प्राइवेट इलाज कर किया जाए, घर पहुंचा दे, अब हम घर पहुंचा देवा ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में लेके एक प्राइवेट इलाज हम करवा सके, अरे बहुत जोर से बीमार है, बच्चे की उम्मीद नहीं है, तकलीफ बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ पात है, तो मन के निवेदन है मीडिया वाला से कि जल्दी जल्दी अला पहुंचाए कोशिश करो, तुम यही मोर निवेदन है, मैं हाथ जोड़ा था तुम की विनती करा था।
राम नारायणपुर सर जी, क्या बोलते हैं, यहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है। 4 दिन हो गए बाल बच्चे धर के आए हैं ये लोग, और बाल बच्चे धर के लाए हैं तो क्या बोलते हैं, कुछ सरपंच बोलते हैं कि बाहर से कोई ऊपर से कोई सुविधा ही नहीं मिला है, तो हम लोग क्या खाएं, और घर वाले भी कुछ दे नहीं रहे हैं, तो हम क्या करें। जिसके वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से पहल करते हुए सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन चलाने की बात कही, जिसके बाद 4 ट्रेन छत्तीसगढ़ से देश के अलग अलग जगहों पर जाकर मजदूरों को बिलासपुर, रायपुर, चांपा जंक्शन तक लाया गया, जहां से जिला प्रशासन के मदद से उन्हें उनके घरों तक पहुँचाया गया, जहाँ पर उन्हें 14 दिनों के लिए गाँव में स्कूल, ग्राम पंचायत भवनों में क्वारंटाइन करके भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि लगातार दिहाड़ी मजदूरों का जत्था नेशनल हाईवे रायपुर बिलासपुर में साइकिल से पैदल या फिर राशन सामग्री के लिए चलाए जा रहे बड़े वाहनों में ऊपर छत पर बैठकर सफर करते हुए देखा जा रहा है, जिसमें पुलिस वाले की मदद से बड़े वाहनों को रुकवा कर उनके गंतव्य तक पहुँचने का इंतजाम कराया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के सीमा नारायणपुर चौक और बैतलपुर में चेक पोस्ट के साथ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुंगेली जिले के आने वाले सभी मजदूरों का चेक पोस्ट पर चेकअप करते हुए पॉजिटिव या नेगेटिव स्थिति को बताते हुए उन्हें 14 दिनों के लिए उनके गांव में क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, जहाँ पर उन्हें स्वयं के घरों में भोजन या फिर सुविधा नहीं होने पर पंचायत के द्वारा की व्यवस्था कराई जा रही है। पथरिया के नगर पंचायत सरगांव अंतर्गत नारायणपुर चौक में चेक पोस्ट बने हुए हैं, जहां पर पैदल या फिर किसी बड़े या छोटे गाड़ी की व्यवस्था कर आते हुए मजदूरों को पहले भोजन पानी की तमाम सुविधाओं की पूर्ति जिला प्रशासन व पुलिस विभाग के द्वारा पूरे कर्तव्य से किया जा रहा है। कहां के आप मन, कौन से जिला के? मुंगेली जिला के, ग्राम पंचायत। क्या समस्या होती है आप? हमार समस्या बहुत बड़ी समस्या है, अमिले हमन घर जाना चाहते और अभी हाल पर एक हफ्ता पहले पहली मोर देवर बेटी खत्म हुई से हम नहीं जा पाए घर, और अभी एक हफ्ता पहली करा पीटे है पूरा हमार घर उर सब लड़का मन के मुहर कान अलग फूटे फूटे है करा मा पथरा मा, और हम अटका पर समस्या में हम घर नहीं गए, और हमार जिला फुलझर, फुलझर जिला के मुंगेली जिला के यान फुलझर पंचायत के, और पुष्पा घीत लहरे नाम है, और हमार बहुत बड़े समस्या है, हम घर जाबो मतलब जाबो किसी भी सर तब हम घर जाबो, भूपेश बघेल से निवेदन करा था। यहाँ खाना पीना के समस्या नहीं? खाना पीना सबके समस्या है। का समस्या? खाना पीना, खाना पीना 2 किलो चावल देवत है एक हफ्ता पर, और बस 1/2 किलो दाल देवत है, और मन नमक मिर्चा कुछ नहीं। तो ठेकेदार ने नहीं बोले, मालिक ने नहीं बोले एक बारे में? मालिक ला ठेकेदार ला बोला था, तो मालिक का कहा थे फलाना दिन गाड़ी आएगा, वो ठिकाना तारीख के गाड़ी आएगा 5-15 ऐसे ऐसे बस घुमा जाते बात ला। हाँ बात ला घुमावा जाते, और कुछ बात नहीं हुआ, घोर घोर के रखा थे, और बात कुछ तो और ठेकेदार हाँ परमानेंट पानी कुछ नहीं थे, बस 500 रुपया भेजवा देते खर्चे पर। कई दिन और जाते? 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन में भेजवाते, कोई ऐसे फलाना तारीख के दे वाले बातें नहीं, पैसा 500-250 दे वाते पैसा, मतलब ज्यादा परेशानी में? हाँ बहुत ज्यादा परेशानी है हमारे घर में। क्या परेशानी आप मान लीजिए? दे नहीं रहा है, 500 देता है, 250 देता है, बाल बच्चे के लिए भेजे या खाना उना खाए, हम लोग राशन पानी लेंगे या बाल बच्चे के लिए भेजे, 500 क्या काम, क्या चीज होगा 500? ज्यादा परेशानी हो रहा है, घर जाना चाहते हैं? हाँ हम लोग घर जाना चाहते हैं, बाल बच्चा छोड़ के आए हैं हम लोग, यहाँ हम लोग बाल बच्चे छोड़ के आए हैं, हम लोग को किसी भी हालत में हमारे गांव ले जाए। कहाँ के, कहाँ परेशानी आप मतलब? धर्मपुरा के हैं, यहाँ कमाल आए हैं, मुंगेली जिला है, और लोग लड़का छोड़ छोड़ के आए हैं, तो हमारे घर ले जाए, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, यहाँ बहुत हमारे परेशानी है, हम यहाँ नहीं रह सकते, घर ले जाए हमारे।
छत्तीसगढ़ तो खाए पिए नहीं दे सरकारी है खा पिए देवत है तो कम का हुआ थे का इना खा सकत हन का बोला लोग लेके बर दे सकत हन दूसरे दिन लोग लेके छन का हन अब भी जिन कमियां हन ए भी माता राम है तब कर पेटो पर तो चाहिए एती पर हम कमामा थन फसे हन है आज दीदी भेदे में न होंगे कहां भेज सकत हन घर में ते अपन पेट खा सकत हन घर में लइका मन ल हमर घलो परेशानी हो गए हम मन ल इहा हबा त हम का कर सकत हन इहा रह ओकर ल हम ल घरे ले जाए हम छत्तीसगढ़ में मस्त अपन भरबे मरबो त छत्तीसगढ़ में परिवार सही और इहा नहीं रह सकन भई हम ल घर ले जाओ तो यहाँ के कंपनी वाले ठेकेदार मन कुछ नहीं बोलत घर जाके ठेकेदार हाँ बोला थे 500 भेजा थे तो 500 का यहाँ खा सकत हन का अपन लोग लेके बर भेज सकत हन और चौका देखे थे रोटी करना हम थोड़े दिन जगी पढ़ा दे यहाँ पेट है चल ही घूम का कर सकत हन एक से ही हम अलग घर जाना चाहे अपन हम अलग घर यहाँ के मंत्री बाहर ही था अपन रामदगरी वहाँ कुंडा हरे जिला कंवर था हम जाने चाहत हन हम अपना छत्तीसगढ़ हमला खाना खर्चा नहीं मिलते जितने चावल मिलते गाय आधा किलो दाल देते थे उतने में थोड़े हमारा खर्चा आएगा हमारा खुद तकलीफ मन पड़े हैं हम अपना खर्चा देगा छोटे छोटे बाल बच्चा छोड़ के आए हैं हमला ठेकेदार भी नहीं दे रहा है 400-500 देता है गैस भरवावत हन 2 महीना परमेंट भी नहीं करे है वही में साग सब्जी लेवत हन वही साबुन निरमा लेवत हन हमला कुछ नहीं मिल रहा है हम अपना छत्तीसगढ़ जाने चाहत हन कहाँ के आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिला के मुंगेली जिला कहाँ परेशानी है हमारा सब चीज यहाँ परेशानी है खाना पीना हर चीज की व्यवस्था है लोरमी कर दे ग्राम पेंडी का काम कर रही है मजदूर आदमी यहाँ काम करने आए हैं मजदूर आदमी काम करे आए हैं घर जाना चाहा था घर जाना चाहा था अपना छत्तीसगढ़ जाओ हम ले जाए यहाँ ले हम मैं ग्राम पेंडी तालाब के रहैया यहाँ काम करे लाए हैं यहाँ मजदूर आदमी काम धाम मिलत नहीं है सब लोग यहाँ भूखा प्यासा में व्याकुल हैं नहीं ले जा नहीं लेगा थे सरकार हमारे और कौन हमारे क्षेत्र के सरकार बने हैं उसे बारंबार नमस्कार है हमें अपन घर छत्तीसगढ़ पहुंचा दे आज नमस्कार भूपेश बघेल के नमस्कार कहाँ के आप सुखी धाम थाना कमरदा जिला हम जाना चाहते हैं 500 रुपया मिलते खाना खर्चा नहीं हुआ थे बाल बच्चा है और कुछ भी प्रॉब्लम है तो गेट के बाहर हमको निकलने नहीं देता है और बच्चा है कभी सर्दी होता है कभी बुखार होता है फिर भी से नहीं जाना देता है पैसा मांग लेता है ला देता है दवाई दे देता है बाहर नहीं जाने देता है कहीं गाड़ी नहीं चल रहा है वैसा है ऐसे बोलता है खाना खर्चा के लिए बोलते हैं तो वो भी बोलता है कि आप आपसे नहीं देंगे वो बनाते हो ऐसे बोलते हैं भैया हमको जाना है घर में हमारा फैमिली है हमारा बाल बच्चा है किसी तरीका से हमको घर भेज दे छत्तीसगढ़ वही हमारा निवेदन है हम घर जाना चाहते कौन जगह में हो अभी आप मन दिल्ली IIT महान कहाँ दिल्ली में बाल बच्चा है फैमिली है घर में मोर लड़का है हम लोग ना ले जाए बार बार मेरे घर पर था हम यहाँ नहीं रहे कहाँ गए आप मैं ग्राम पंचायत बरदुली से पथरिया थाना से
मुंगेली जिला। कहाँ में हो अभी आप? अभी हम दिल्ली आईआईटी कंपनी में काम कर रहे थे आर के पूरब के पास। अच्छा, क्या परेशानी है आप मतलब? यहाँ पर पहले तो मैं नमस्कार कर रहा था आदरणीय भूपेश बघेल जी से, मंत्री से, आदरणीय हमारे मुंगेली जिला कलेक्टर जी से। हमारे यहाँ 2 महीना हो गए लगभग काम बंद हुआ है और हमन एक स्थिति परेशानी है। देते सूखा चावल देते आधा किलो ऐसे दाल देते कि 15 दिन 17 दिन में तो ऊपर से हम लोग गुंजाश नहीं चला थे। अच्छा, लगभग पिछला तकलीफ हो जाते, बुखार आ जाते, सर्दी खांसी हो जाते तो गेट उठ खुले नहीं, डर नहीं रहता है। तो हम इतना परेशानी में हम कि जल्द से जल्द हम लोग छत्तीसगढ़ ले जाते हम लोग कोशिश करें। हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हम यहाँ पे और का चीज़ के परेशानी। और बाकी दबाव बात थोड़े डाल कुछ प्रकार के ठेकेदार कंपनी वाले मन वैसे बोल रहे थे मन कंपनी ला ठेकेदार का कि हम अपन छत्तीसगढ़ जाबो कहते, लेकिन फिर भी से अभी जब गाड़ी लग गई तब चले जाओ, जब गाड़ी लग गई तब चले जाओ कहा थे। अच्छा, तो काम बोलिए काम कर दो काम करो ऐसे बोला चाहते हैं, लेकिन कोई पता नहीं है। कहाँ के आप मन? मैं ग्राम दयालपुर कह रहा हूँ भाई, जिला मुंगेली, तहसील लोर में, थाना लालपुर। अच्छा, दिल्ली में आईटी में फंसे हुए हों, मोर पूरा फैमिली गांव में हुआ है। अच्छा, और यहाँ खाए वाए पर कुछ मिलत नहीं है। और भैया 200-400 रुपये देते उमा का हो ही, और 2 महीने से हम बैठे हैं, हमारा मतलब कोई मतलब सुनवाई नहीं है, है गरीब आदमी मतलब कोई सुनवाई नहीं है ना भाई। अच्छा, और ठेकेदार अब भी बोला था कि तुम काम करो सरजम हो, 2 महीने से बैठे तो करो मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकले। 2 महीना तक के झक मारा था इसका ठेकेदार है के कंपनी है, 2 महीने तक कोई मतलब फोन भी नहीं उठा दिए एक भी कि आदमी जिया थे मरा था। और अब कहा थे कि काम करो काम खुली आए और ना घर जान देते ना कहीं कंपनी वाले भी। सरगांव से राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।